ये रागनी वहां से होगी कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, कौरवों की हार हो जाती है और पांडवों की जीत हो जाती है। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण भगवान अपने महलों में गए, अपनी रानी रुक्मणी के पास में। रानी रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान को देखते ही खुश हो गई कि आइए पियाजी, आइए, स्वागतम, बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपके पैर दबाती हूँ। प्रेमी श्रोताओं, लोग कहने लगी रुक्मणी कि महाराज अच्छी बात है कि अधर्म की हार हुई है और धर्म की जीत हुई है, लेकिन एक संशय है। कि क्या रुक्मणी? कि संशय यह है कि मैं समझ नहीं पाई कि कौरवों की इतनी बड़ी सेना थी और पांचों पांडवों की छोटी सी सेना थी, फिर पांचों पांडवों की जीत कैसे हो गई पियाजी, और वो कौरवों की इतनी बड़ी सेना उसकी हार कैसे हो गई? ये सारा भेद मुझे विस्तार से बताइए। वो रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान से क्या पूछती है, सुनिए रागड़ी के माध्यम से। हे रुक्मण बोली श्री कृष्ण ते, मन महाभारत का हाल बता। सात जीतगी ग्यारह हारी, क्यों कर होया कमाल बता। सात जीतगी पितामा की तोरण में, विषम पितामा की तोरण में हार नहीं पिया होड़ी थी। सेनापति जी विषम दोरे ग्यारह दल एक छोड़ी थी। सेनापति जी दोरे छोड़ी थी। फिर सात और ग्यारह में फर्क घना से संख्या भी दुनी थी। गंधारी का बड्डा बेटा देश की धुरिया खूनी थी। गंधारी का बड्डा बेटा देश की धुरिया खूनी थी। जिसकी चाल से धरती दल क्या करती, चाल से धरती दल क्या करती, क्यों कर बिगड़ी चाल बता। सात जिंदगी ग्यारह हारी, कैसे हुआ कमाल बता। कवारी करण कवारी कुंती काजो, करण कवारी कुंती काजो, सूरवीर पिया चाड़ा था, कवचर कुंडर इंदर ले गया, उसने कुण मारने आड़ा था। कवचर कुंडल छाती के बाण पीठ में मारे, छाती के बाण पीठ में मारे, यो कानून भी काला था।
द्रौपदी के रथ पे देखा एक छलिया गढ़वाला था। पिया गुरु द्रोण तैसा झिला था दोनों का सिर पुछ कर लिया। गुरु द्रोण की कृपा ते हुआ अर्जुन मच्छ को मारणिया। गुरु द्रोण की कृपा ते हुआ अर्जुन मच्छ को मारणिया। हेर दई दक्षिणा पाप के अस्तर दई दक्षिणा पाप के अस्तर छल के सिर ने तारणिया। मेरे पियाजी अर्जुन बिन हुया कौन धर्म के हारणिया। मेरे पियाजी अर्जुन के कौन धर्म के हारणिया। हेरे दाता भीष्म गुरु द्रोण के दाता भीष्म गुरु द्रोण के किसने मारे बाल बता। सात जिंदगी ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल बता। सुकनी सूर सुशर्मा मामा सुकनी सूर सुशर्मा छल बल के पिया पूरे थे। अड़ी भीड़ में ओटनी आड़े वो सूरा के सूर थे। अड़ी भीड़ में ओटनी आड़े वो सूरा के सूर थे। और पियाजी मेरी समझ में एक बात नहीं आई कौन सी। महाभारत का युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध हुआ उड़े किसके धनुपिया खूरे थे। लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंद गुरु जी धोरे मांगे राम जमूरे थे।